हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जल्दी आ गई हूँ अपनी वॉक पे, क्योंकि हमेशा रात को आती हूँ। फिर आज सोचा कि थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं एनवायरनमेंट में भी और व्लॉग में भी। हमेशा रूम में ही बनाती हूँ। यहाँ देखो कितना सुंदर है ये वाला, यहाँ वाली आंटी है ना, लास्ट फ्लोर वाली आंटी, को बहुत अच्छा लगती है। आई एम फीलिंग अ बिट ऑकवर्ड स्टिल, आई एम मेकिंग इट फॉर यू बिकॉज आई हैव टू गो आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन बिकॉज आई एम नॉट बॉदरिंग एनीवन। आई एम टॉकिंग ओनली गॉड एंड ऑल्सो नॉट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस अराउंड मी, सो आई शुड नॉट बी सीन फ्रॉम इट। सो यहाँ रख रही हूँ मैं अपनी बॉटल, एयरपोर्ट लेकर आई हूँ, थोड़ी देर वॉक करूँगी। इस टाइम बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पर, तो मेरे लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड है। यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, आपसे बात करती हूँ, फिर उठती हूँ वॉक करने के लिए। तो यहाँ वहाँ से मुझे बच्चे साथ देख रहे, पता नहीं क्यों, या मुझे ही लग रहा है कि मुझे देख रहे हैं, पर सब होली होली सेलिब्रेट कर रहे थे। सो व्हाट्स अप गाइस, हाउ आर यू डूइंग। आपने पिछली वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं, मैं उन सब का आंसर दूंगी अभी रूम जाके। व्हेन आई विल गेट टू माय रूम, वहाँ पर आई विल बी आंसरिंग ऑल ऑफ योर कमेंट्स, ठीक है। सो वेरी वेरी हैप्पी होली एवरीवन। मेरे अभी तक कोई प्लान्स नहीं है कल के, बट स्टिल आई विल बी, अगर कहीं बाहर नहीं करी तो आप लोगों के साथ तो मैं ऑफकोर्स कर ही सकती हूँ ना। दैट्स समथिंग आई एम गोइंग टू डू, लेट्स सी व्हाट आई डू टुमारो। गाइस, हर चीज़ के मैं तीन सेट्स मार रही हूँ। रनिंग की मैंने तीन सेट्स उसके किए, भाई क्रिस क्रॉस के तीन सेट्स करे, वही वैसे ही पुशअप्स करूँगी, स्क्वाट्स करूँगी। यस गाइस, सो मैं थोड़ी सी वीडियो बनाई, फिर मैं वर्कआउट पर लग गई, कि मुझे लगा या तो मैं वीडियो बना सकती या मैं वर्कआउट कर सकती, तो मैंने चूज़ किया कि मैं वर्कआउट कर लेती हूँ, सबकी वीडियो नहीं बना सकती। तो गाइस मेरा वर्कआउट सेशन हो गया। आज मुझे स्वेटिंग हुई है बहुत ज़माने बाद, मुझे स्वेटिंग बहुत कम होती है क्योंकि मेरा ड्राई टेक्सचर है स्किन का, इसलिए स्वेटिंग बहुत कम होती है। गर्मियों में तो हो ही जाती है ऑफकोर्स, बट चलो अभी इतनी गर्मी नहीं हुई है, वर्कआउट से हो गया। तो मेरा हाफ एन आवर का ये रहा, इसके बाद मेरे को जाना है, मेरे को लेने कुछ फ्रूट्स ख़त्म हो गए मेरे। मैंने ऐसे वाटरमेलन 30 रुपीज़ का मंगाया, लिटरली ले गए दो पीस काट के दिए मैंने ब्लिंकेट से, तो ऐसे ही है सारा फ्रॉड एक नंबर का। चलो मैं खुद ही चल जाती हूँ, खुद लेकर आती हूँ फ्रूट्स फ्रेश एंड नाइस वन। तो मैं लेके आ गए ग्रेप्स, और 3 किलो का तो यही था, वाटरमेलन, मैंगो एंड बनानास। तो गाइस आ गई मैं अपने रूम में वापस, वर्कआउट करा मैंने, वर्कआउट काफ़ी एग्जॉस्टिंग था, मेरी टांगे लिटरली कांप रही थी। उसके बाद मुझे लाइक ज़्यादा हैवी हो गया क्योंकि रनिंग काफ़ी करी मैंने, बट नाउ देन आई वेंट फॉर टू बाय सम फ्रूट्स फॉर माई सेल्फ, और अभी अच्छा खासा मेरा एक हफ्ते का कोटा आई गेस हो गया है। तो कल वाले व्लॉग्स में जो आपने कमेंट्स करे, मैंने क्वेश्चंस पूछे थे, तो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सॉर्ट बाय कर लेती हूँ टॉप कमेंट्स, ठीक है। ये वाला था अपना व्लॉग, लास्ट मैंने रात को जो डाला है, ये है यूज़र SH9PK, आई डोंट नो हु यू आर, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। प्रवेश कूल 9242, जिनका मुझे हमेशा कमेंट्स आते रहते हैं, थैंक यू प्रवेश, गॉर्जियस, दिस इज द रियलिटी, या मे बी। ये आ गया आकाश भौमिक, ठीक है, हाय, हे ब्यूटीफुल, हाय। तो अपने को नेक्स्ट कमेंट आया है, ये आया है BMD ग्रुप का, हमेशा वो मेरी वीडियो पर ज़रूर कमेंट करते हैं, सो आई आई एम गोइंग टू रीड हिज कॉमेंट ओवर हियर। प्रियंका, ये दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कुछ भी नहीं है, आई विश आई वॉज नियर यू, आई हैव बीन इन द सेम सिचुएशन, बट आई मस्ट से दैट आई एम एट अ बेटर प्लेस, आई एम रियली ग्लैड टू नो दैट यू आर एट अ बेटर प्लेस। एंड हाँ, आई रियलाइज दिस थिंग कि पेरेंट्स से बढ़कर कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके साथ आप कितना झगड़ा भी कर लो ना, कितनी चीज़ें भी उनके साथ प्रॉब्लम भी हो जाए, कुछ बुरा भी बोल दो, दे आर नॉट गोइंग टू जज यू। उनके पास आप बिना किसी बैगेज के फिर से वापस जा सकते हो, बिकॉज उन्होंने आपको जन्मा है, उन्होंने पाला है आपको, उनको पता है, दे वोंट जज यू, सो नेवर टेक योर पेरेंट्स फॉर ग्रांटेड। सिद्धार्थ धीमान का, सिद्धार्थ धीमान कहाँ रहे हैं आप इतने टाइम से, कहाँ चले गए हैं आप, गायब हो गए हैं आप, कितने सदियों बाद मुझे कॉमेंट आ रहा है आपका,
सो आई होप यू ऑल यू आर डूइंग गुड. बहुत पहले तो हमारी बात हो जाती थी पर अब कम हो गई है, बट दैट्स ओके. आई एम ग्लैड आपने मुझे कमेंट करा, मेरी वीडियो देखते हो आप. तो सिद्धार्थ जी का मुझे कमेंट आया है, आई अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट योर थॉट्स यू हैव शेयर्ड इन दिस व्लॉग. थैंक यू सिद्धार्थ. एक और भी कमेंट आया था आपका ही आई गेस. आपका क्वेश्चन आया है कि मेरा भी क्वेश्चन है प्रियंका आपसे कि सभी गर्ल्स से दैट व्हाई यू डोंट लाइक द एंड लव गुड गाइस हु रिस्पेक्ट यू अंडरस्टैंड यू. मेरे को नहीं पता, शायद से बहुत यंग आप होते हो, जब बहुत कॉलेज वॉलेज वाली एज होती है, जब शायद आपकी सेटल डाउन करने की एज नहीं होती है आपकी. पता नहीं आपको क्यों ऐसे लग रहा है कि बट वी अप्रिशिएट पीपल हु ट्रीट अस नाइसली, बट एट द सेम टाइम हमें थोड़ा लड़का स्मार्ट भी चाहिए. स्मार्ट मतलब मेंटली स्मार्ट चाहिए. आपको मुझे नहीं समझ में आ रहा कि गुड गाइज आपके डेफिनेशन में कैसा है. थोड़ा सा आप और एलैबोरेट करोगे ना तो मैं और अच्छे से आंसर कर पाऊँगी आपके इस क्वेश्चन को कि आपके आपकी अंडरस्टैंडिंग में गुड बॉयज़ कैसे होते हैं. मैंने काफ़ी चीज़ें बताई अपनी गुड गर्ल्स की क्वालिटी में जो अपने ब्लॉग में था. आप थोड़ा सा इसको और डिस्क्राइब करोगे ना तो फिर और अच्छे से मैं आंसर दे पाऊँगी, इफ़ यू जेन्युइनली वांट टू गेट अ गुड आंसर लड़की की पर्सपेक्टिव से, मेरे पर्सपेक्टिव से. ओके और आप बॉयज़ को जेन्युइनली अगर ये जानना है कि लड़कियों को क्या चाहिए होता है लड़के में, अगर ये आपका है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे मुझे नेक्स्ट में बताओ कि अगर अपना क्वेश्चन अच्छे से पुट कर लो को एग्जैक्टली आपको क्या क्वेश्चंस रहते हैं, क्या कन्फ्यूजन रहती है आपको लड़कियों में, कि आपको क्या लगता है कि लड़कियों को आप में ऐसा क्या है जो जिसकी वजह से लड़की ने आपके साथ लिखे शी डज नॉट लाइक यू बैक और एनी थिंग ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन दैट यू हैव. प्लीज़ अच्छे से आपको क्वेश्चन डिटेल में मुझे पूछो ताकि मैं उसको ऑब्जर्व करके एक अच्छा सा आंसर आपको दे सकूं, बिकॉज ब्रीफ में थोड़ा बताना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आई नीड टू गेट टू द डेप्थ ऑफ द क्वेश्चन एंड सिचुएशन टू आंसर यू ऑनेस्टली एंड अप्रोप्रिएटली अकॉर्डिंग टू योर लाइफ सिनेरियो. सतीज भट्ट ब्लॉग्स ने मुझे इस पर कॉमेंट करा है कि अच्छे लोगों के साथ ऐसा ही होता है, सैड बट रियलिटी. बाय द वे आपके पानी रे गाना बहुत अच्छा लगा मुझे. कौन सा पानी रे गाना बोल रहे हो आप? थैंक यू सो मच फॉर योर ओपिनियन दो. मुझे लगता है कि सिर्फ अच्छे लड़कियों को ना, अच्छे लोगों को थोड़ा सा अपने को चेंज करने की ज़रूरत है. मैं भी अपने अंदर वो क्वालिटीज़ लेकर आ रही हूँ क्योंकि यू सम मतलब हमें कोई वो नहीं है, अच्छा बन के सफ़र करना कोई अचीवमेंट नहीं है हमारी यार. हमें अपने आप को मोल्ड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिस तरह का अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए अपने आप में हमें वो क्वालिटीज़ लेकर आनी है. तो मैं वही ट्राई कर रही हूँ कि अपनी जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं, इफ़ यू आर डूइंग देम, अगर आपके लाइफ में डिसिप्लिन है, इफ़ यू हैव सम टारगेट्स इन योर लाइफ और उसके लिए जेन्युइनली एफर्ट्स कर रहे हो, एक डिसिप्लिन है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो द अदर पर्सन विल ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट यू मोर. तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाना ज़रूरी है. मेरे अंदर शायद कमी रह गई थी इन सब चीज़ों की, तो वो मैं अब पूरी करूँगी किसी भी तरह से. दैट समथिंग आई एम डूइंग एंड अच्छे बन के मेरे को कोई वो नहीं लेके आनी यार, कोई महारत नहीं मिलने वाली है. मतलब मैं वाई शुड आई बी क्राइंग जस्ट बिकॉज आई एम अ गुड पर्सन? नो. कॉलिन, काफ़ी दिनों से आपने मुझे कमेंट नहीं करा, आप हमेशा करते हो और इतना अच्छा कमेंट करते हो ना कि आपका जो कमेंट होता है उसको मैं रीड करके ना मेरे को बहुत अच्छा फील होता है. जेन्युइनली आप विदेश से हैं, आई एम रियली ग्लैड कि आप मेरे व्लॉग्स को देखते हो और अच्छे से आप कमेंट करते हो. चलो मैं आपका कमेंट पढ़ती हूँ. ओके, बहुत दूर विदेश से आपको नमस्ते प्रियंका जी. कुछ दिन बीत गए हैं जब से मैं पिछली बार आपको थोड़ा सा लिख दिया. हाँ, आपने पिछली बार लिखा था, अब नहीं लिखा, पर थैंक यू आप आए और आपने कमेंट लिखा. ठीक है, आज मुझे आपका व्लॉग देखकर चोट लग गया, जैसे कि आप कुछ परेशान दिख रही हैं. ओह सो स्वीट, थैंक यू. अरे ऐसा नहीं होना चाहिए. अच्छा, बस खुश ही रहना चाहिए, ठीक है ना? ओके, आपने बोला तो मैं खुश रहूँगी. आप इतनी अच्छी लड़की लगती हैं, काश मेरी किस्मत कुछ और होती थी. मतलब ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी गुड गर्ल. अगर आपको अच्छा ऐसा लग रहा है कि मैं अच्छी लड़की हूँ तो थैंक यू फॉर दैट. अंत में आप सबके लिए कुछ ठीक निकलेगा. ज़िंदगी ऐसी होती है कि हम सारे दुख तकलीफ से नहीं बच पाएंगे और बचना भी नहीं चाहिए. ऐसी स्थितियों, ऐसे हालातों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और हम अंदर में तरक्की प्राप्त कर सकते हैं अगर हम चाहें तो. ओके, ज़िंदगी दुख तकलीफ के बगैर कोई ज़िंदगी है ही नहीं. ज़रा मैं एक उदाहरण देता हूँ. मेरी माँ बोली, मैं हम कहते हैं मुझे तेरी याद कैसे आएगी अगर तू कभी जाती नहीं.
मतलब है कि अगर ज़िंदगी हमेशा मीठी ही होती है तो मैं उस मिठाई को कैसे पहचान सकूं और मुझे उसका मज़ा कैसे आए, उसका मज़ा कैसे ले पाऊं, है ना। पता नहीं मैं मेरी टूटी फूटी हिंदी समझ लेंगी या नहीं, मुझे अच्छे से समझ आ रही है और बहुत अच्छा लग रहा है आपकी हिंदी को पढ़ना। मुझे नहीं लग रहा है कि आपको टूटी फूटी आपकी हिंदी है, पता नहीं क्यों, क्योंकि बहुत अच्छे से लिखते हो आप। पर आखिर में आप ऐसा कर लीजिए, आप अपना अपना कमर बांध लें क्योंकि सब ठीक होगा। बाकी लड़कों के बारे में वो एक बहुत लंबी बात होगी और इतना सब कुछ मुझसे नहीं लिखा इतना सब कुछ आपसे नहीं लिखा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। सिर्फ इतना जानिए कि हम जैसे अच्छे लड़कों के साथ भी ये सब कुछ होता है, मेरे साथ भी हुआ। खैर फिक्र मत करना, आपको चाहने वाले आपको ज़्यादा होंगे, आपको चाहने वाले बहुत ज़्यादा होंगे, तो आप उन सभी को अच्छी तरह से जांचना और अपने लिए एक अच्छा सा चुन लेना। अपना ख्याल रखना। कॉलिन हाउ स्वीट, ये तो ऐसा लगता है ना, आपका कमेंट ऐसा लगता है कि कैसे कोई लेटर नहीं लिखते थे स्कूल के टाइम पे, लेटर लिखते थे ना कि स्कूल के टाइम पे वो लेटर्स जो आपको लिखने होते थे कि आप अपने फ्रेंड को अपने हस्बैंड को जो भी लेटर्स लिखने थे ऑफिशियल अनऑफिशियल से, मम्मी पापा आर्मी में होते हैं ना थे होते थे, तो फिर जिस तरह के वो लिखेंगे ना उस तरह का लगता है आपका कमेंट यार, जेन्युइनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कॉलिन। तो आप ये मत घबराइए कि आपकी हिंदी टूटी फूटी, आप बहुत अच्छे से लिख लेते हो, बहुत अच्छे से आपकी बातें मैं समझ पाती हूँ। सो डोंट वरी अबाउट दैट, सो कीप लाइक कीप कमिंग एंड टेलिंग मी योर थिंग्स जो आपको जो भी आपको लगता है। सो अगला कमेंट है राव जी का, राव 7963। ये भी मुझे कमेंट करते रहते हैं तो मैं इनका कमेंट रीड करती हूँ, ठीक है। प्रियंका, यू एंड अनदर यूट्यूबर संजू शेरा वर स्टोरी टेलर इन दैट रिया लाइक यू मोस्ट ब्यूटीफुल नेचुरल एक्टिंग बट योर डिम्पल चीक इनोसेंट स्माइल गिव्स एन एज दैट इंटरेस्टिंग कास्ट एपिसोड आई लाइक योर एक्टिंग हाउ कुड समबडी रिजेक्ट यू इन रियलिटी इथ वन द यू आर टेकन केयर आई लाइक टू एक्ट इन योर सीरियल मिडल एज गाय नॉट सो वेल बिल्ट एवरेज looking as your father or brother I will do I am from Bangalore anyway positive vibes looking at you please take care never act in films especially Bollywood my personal opinion you are very decent actress everybody respects and admires you actually I loved all your all YouTubers Nijo Jones and etc great social awareness for the public all decent natural actors better than watching Bollywood films so आपने एक गो में ही सब कुछ लिख लिया, पर मैं समझ गई जो जो आपने बोला, मैं बहुत अच्छे से समझ गई। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट राव साहब, पता नहीं क्यों निकल गया मुझे सर। तो नेक्स्ट कमेंट है प्रेडी म्यूजिक का। प्रेडी म्यूजिक, मुझे पता है आपने मुझे इंस्टा पे भी रीच आउट करा है ना, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई नहीं करी क्योंकि वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगी ना तो यू आर नॉट गोइंग टू कमेंट एंड वॉच माय व्लॉग्स, सो आई डोंट वांट टू लूज यू आउट ऑन दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग हियर, आपने लिखा है कि आई थिंक आपको गलत लोगों से पाला पड़ा है, सिर्फ देयर आर गुड पीपल टू विन दिस वर्ल्ड। आई डोंट नो, आई होप सो इट टर्न्स आउट टू बी ट्रू, बट आई हैव नॉट लॉस्ट होप्स इन गुड पीपल, ऑफ कोर्स आई हैव नॉट लॉस्ट इट। आई थिंक लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, बुरे लोग आपको एक्सपीरियंस देते हैं और अच्छे लोग के साथ आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाती है, दैट्स समथिंग व्हाट हैपेंस। आई थिंक मैंने मोस्टली सबके रिप्लाइज कर दिए, सबके रिप्लाइज मैं कर चुकी हूँ, कुछ छूटा होगा तो आई एम रियली सॉरी। जो जो लोग मुझे कमेंट करते हैं यहाँ पे एंगेज होते हैं, आई वांट टू से अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो आई थिंक आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है क्योंकि बहुत सारी हमने बातें कर ली ऑलरेडी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।